Hey, what's up guys, my name is Ankit and you're watching your channel Mobile Zone. So guys, आज की editing है horror editing, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोगों ने horror type की editing नहीं की है, तो मैंने सोचा चलो horror editing करते हैं. तो guys video देखो और videos पे like करो, क्योंकि like करते हो तो मेरे को थोड़ा idea मिल जाता है कि videos आप लोगों को किस type की videos चाहिए, और video like करते हो तो थोड़ी motivation भी मिल जाती है videos और बनाना चाहिए करके मेरे को. तो फिर लाइक करो और नीचे कमेंट पे कमेंट करो वीडियो कैसी लग रही है आप लोगों को. कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो आप लोग. तो फिर कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो देखो. तो गाइज मैंने इस वीडियो में जितनी भी PNG और बैकग्राउंड यूज़ की है उसकी डाउनलोड लिंक आप लोग को हर टाइम की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो फिर वहां जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं. तो गाइज जाओ वीडियो देखो. सो गाइज मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल पर और मैंने बैकग्राउंड इरेज करने के लिए बैकग्राउंड इरेजर ऐप यूज़ किया है. फिर उसे ओपन किया और अपने जिस फ़ोटो को हमें इरेज करना है उसे सिलेक्ट कर लेंगे. उसके बाद कुछ इस तरीके से अपने फ़ोटो की बैकग्राउंड इरेज करेंगे. तो गाइज अब हमारी हो गई इस फोटो की बैकग्राउंड इरेज और अब हम कर लेते हैं इसे सेव और उसके बाद हम ओपन करेंगे पिक्सआर्ट ऐप. पिक्सआर्ट ओपन करने के बाद हम जाएंगे ड्रॉ समथिंग में, उसके बाद 1200x800 वाला बैकग्राउंड सिलेक्ट करके हम अब अपनी इमेज एडिट करेंगे. तो हम डायरेक्ट जाएंगे ऐड फोटो पे, वहाँ पर से हम अपनी एक बैकग्राउंड वाली इमेज ओपन कर लेंगे और आगे जिस तरह से मैं ये कर रहा हूँ प्रोसेस आप भी सेम उसी तरीके से ये आगे करेंगे. तो वीडियो आप देखते रहिए और फिर आगे आप खुद ही समझ जाएंगे.
सो गाइस, बैकग्राउंड क्रिएट करने के बाद हम वापस जाएंगे ऐड फोटो पे, वहाँ पर से हम अपनी एक पिक्चर सिलेक्ट करेंगे और कुछ इस तरीके से हम इसे अपनी बैकग्राउंड वाले इमेज पर एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद सारी जितनी भी मैंने पिक्चर्स आपको दी हुई है उसे कुछ आगे मैंने जो प्रोसेस किया है उसी तरीके से ऐड फोटो पे जाकर आप एक एक कर कर उस पिक्चर को सिलेक्ट करिएगा एंड कुछ इसी तरीके से अपने बैकग्राउंड पर एडजस्ट करें। सो गाइज, आप सोच रहे होंगे कि हमें इस पिक्चर की क्या नीड हो गई। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि ये हॉरर पिक्चर में जैसे मतलब भूतिया जो जगह होती है वहाँ पे कुछ फॉगीनेस होता है, फॉग होता है, वो क्या बोलते हैं उसे, धुंध, वो होता है। तो मैंने कुछ इसी टाइप का क्रिएट करने का ट्राई किया, तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इसी तरीके से एडजस्ट करिए इस पिक्चर को और साइड से इसके एजेस को इरेजर टूल की मदद से थोड़ी इसकी एजेस आप इरेज कर लीजिए और इसकी ओपेसिटी 40-50% रखिएगा एंड और फिर आगे वीडियो देखते रहिए। आपको बाकी तो खुद ही समझ आ जाना है। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah.
the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. सो गाइज, हो गई हमारी पिक्चर हॉरर एडिटिंग वाली तैयार। अब टाइम है थोड़ी कलर एडजस्टमेंट का, तो चलिए कर लेते हैं थोड़ी सी कलर एडजस्टमेंट। कलर एडजस्टमेंट हमारी एडिटिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसके बिना एडिटिंग में मज़ा नहीं है। वो मज़ा नहीं है जो कलर एडजस्टमेंट के बाद है। तो आप लोग देख सकते हैं कि पहले फ़ोटो कैसी थी और थोड़ी सी कलर एडजस्टमेंट के बाद फ़ोटो एकदम अच्छी लगने लग जाती है। तो कुछ आप इसी तरीके का कलर एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपनी फ़ोटो पे। बाकी हमारी फ़ोटो तो पूरी एडिट हो गई है, बस अब कलर एडजस्टमेंट करना है और फिर सेव करना है। सो गाइज, कलर एडजस्टमेंट तो हमारी हो गई, लेकिन हम लोगों ने एक चीज़ भूल गया। जो मैं वहाँ झूले पे बैठा हुआ हूँ उसके नीचे पे हम लोगों ने शैडो क्रिएट करना थोड़ा सा भूल गया। तो इसके लिए हम जाएंगे ड्रॉ टूल पे और उसके बाद ब्रश सिलेक्ट कर लेंगे और ब्लैक कलर सिलेक्ट करेंगे और कुछ इस तरीके से थोड़ी सी नीचे ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमारी पिक्चर थोड़ी रियलिस्टिक लगे। और उसके बाद ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं पहले पिक्चर कैसी लग रही थी और अब कैसे लग रही है। सो गाइज, इसे कर लेंगे सेव और अब कर लेते हैं हमारी फ़ोटो को सेव। तो गाइस, हो गई हमारी फ़ोटो एडिट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और ये जो राउंड वाला गोल सा दिख रहा है उसे दबा कर लो आप सब्सक्राइब।